गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना बच्चों इस चैप्टर को 11th इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसमें एक दो ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट बहुत अच्छे एडजस्टमेंट है जो आपके लिए नहीं रहेंगी, और उसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में, एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड, लेकिन कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को छोड़कर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर का पॉइंट, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड, स्टॉक ट्रांसफर किया जाएगा, स्टॉक है 24,000 रुपीज। नेक्स्ट, डेटर ट्रांसफर हो गए बच्चों एंड अमाउंट 19,000। नेक्स्ट, डेटर के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर भी ट्रांसफर किया जाएगा 40,000। प्लांट भी ट्रांसफर होता है 2,10,000 रुपीस। इन्वेस्टमेंट होगी अमाउंट 32,000 रुपीस। P&L का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अब लाइबिलिटी साइड से, लाइबिलिटी साइड में सिर्फ आपको आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले क्रेडिटर ट्रांसफर किए जाएंगे 42,000। इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये बच्चों एक लाइबिलिटी है, ये कोई फंड नहीं है। आपने सुना होगा इम्प्लॉयज का PF कटता है, वो PF कब देते हैं, जब इम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या बिजनेस बंद, तो PF की पेमेंट करेंगे। तो ये एक एक्चुअल आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो ये भी आपकी ट्रांसफर होगी। तो इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में EPF बोला जाता है, अमाउंट 60,000 रुपीज। मिसिज आशीष लोन, पार्टनर का नाम है बच्चों आशीष और ये उसकी वाइफ का लोन है। तो बच्चों याद रखना, पार्टनर का लोन यहाँ नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का होगा तो वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा बाय मिसिज आशीष लोन एंड अमाउंट 9,000 रुपीज। नेक्स्ट, कनव लोन, कनव कौन है बच्चों, एक पार्टनर, तो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो आएगा जितने का आपको क्लेम दिया हुआ है, तो क्लेम की जो भी एडजस्टमेंट आएगी हम देखेंगे। अगर कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा, पूरे का पूरा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक स्पेसिफिक रिजर्व, इसकी भी एडजस्टमेंट थी कि एसेट साइड अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो वो रिजर्व ट्रांसफर होगा, और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट थी तो पूरा रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड अमाउंट 4,000 रुपीज। तो ये बच्चों ये ट्रांसफर के हो चुके हैं। वर्कमैन का याद रखना, वर्कमैन अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट है तो यहां ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, आशीष एग्रीड टू ओवर फर्नीचर एट 38,000। तो बच्चों पार्टनर ने एसेट लिया, तो बाय आशीष कैपिटल और ब्रैकेट में आ जाएगा फर्नीचर 38,000 रुपीज। नेक्स्ट, पे ऑफ मिसिज आशीष लोन, मिसिज आशीष लोन क्या थी, लाइबिलिटी, और पार्टनर ने लाइबिलिटी भी ली है, तो टू आशीष कैपिटल और ब्रैकेट में मिसिज लोन। ये मैं सोचना उसने अपनी मिसिज का लोन पे करने के लिए बोला है तो यहाँ नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट में बच्चों फिर भी जाएगा क्योंकि फर्म के लिए आउटसाइड लाइबिलिटी थी और वो पार्टनर पे कर रहा है। मिसिज आशीष लोन कितने रुपये का था, 9,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब सेल होना, 18,500, तो इसे किस नाम से लिखेंगे, बाय बैंक के नाम से और ब्रैकेट में डेटर 18,500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, एंड प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर, तो बाय बैंक ब्रैकेट में प्लांट 10% ज्यादा। प्लांट की वैल्यू थी कितनी बच्चों, 2,10,000, इसका 10% 21,000, यानी कि जो सेल हुआ है वो कितने में सेल हुआ है, आप जब कैलकुलेशन करेंगे, प्लांट की अमाउंट क्या थी बच्चों, 2,10,000, इसका 10% जो करोगे कितना बनेगा, 21,000, तो यानी कि मोर, यानी कि वो कितने में सेल हुआ है, 2,31,000 रुपीज में सेल हुआ है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक, ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्किंग नोट, स्टॉक के बारे में वर्किंग नोट हो रहा है बच्चों।
जो आपका स्टॉक था बच्चों टोटल कितना था, 24,000 रुपीज का था। 24,000 में से 40% कनव ने लिया, स्टॉक टेकन बाय कनव। तो बच्चों टोटल स्टॉक कितने का था, 24,000, वो किस कितने पर लिया है, 40, इसमें से 40% लिया है बच्चों। तो इसका 40% कितना बना, 9600 रुपीज, 9600। ये जो उसने 9600 का स्टॉक लिया है वो भी बच्चों 20% कम वैल्यू पर लिया है, तो इसका 20% लेस करो, तो लेस 20% ऑफ 9600, ये बनेगा आपका 1920। तो बच्चों जब आप माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 7680। यानी कि बच्चों जो स्टॉक लिया कनव ने वो इस वैल्यू पर लिया है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन बाय कनव, क्लियर। तो बच्चों जो कनव के नाम से लिखोगे बाय कनव कैपिटल और ब्रैकेट में स्टॉक, ये कितने का आएगा, 7680 का रहेगा। और इसकी वर्किंग शो कर देना यहाँ पर नंबर वन, कि हमने वर्किंग नोट नंबर वन से शो किया है। बच्चों ये जिस वैल्यू पर पार्टनर लेता है उस वैल्यू पर उसका कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लिखते हैं। तो था तो स्टॉक ये टोटल कितने का, 9600 का, इसने ये 9600 का 20% कम वैल्यू पर लिया, तो इसका 20% हमने कम कर दिया ये, तो यानी कि उसने किस वैल्यू पर लिया, 7680 पर। लेकिन जो बुक वैल्यू कम होगी, बुक वैल्यू यानी कि कितनी कम होगी, 9600 रुपीज कम होगी। ये बुक वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की जाती है रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट में हो सकता है रिमेनिंग स्टॉक का भी कुछ बताया जाए। तो रिमेनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको बुक वैल्यू माइनस करनी है, लेकिन पार्टनर के नाम से उसने जिस वैल्यू पर लिया उस वैल्यू पर आप लिखोगे। आगे आपको कह रहा है क्वेश्चन में रिमेनिंग स्टॉक, यानी कि अब यहां पर रिमेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी वर्किंग नोट नंबर टू, रिमेनिंग स्टॉक। देखो टोटल स्टॉक 24,000 का था, 24,000 में से 40% तो गया, बचा कितना, 60%। तो जो रिमेनिंग है वो कितना है, 60% है। 60% कितना बनेगा आपका 24,000 में से, 14,400 रुपीज। ये हो गया बच्चों 60% जो रिमेनिंग बचा है। अब इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, यानी कि ये जो सेल हुआ है वो 10% के प्रॉफिट में सेल हुआ है, तो प्रॉफिट 10%, इसका 10% 1440। तो जो सेल प्राइस आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 15,840 रुपीज। ये हो गया रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। तो बच्चों जो बाय बैंक के नाम से आप लिखोगे, बाय बैंक और ब्रैकेट में स्टॉक, वो कितने का रहेगा, 15,840 का रहेगा बच्चों, 15,840। तो ये ट्रांजेक्शन आपके लिए नई थी और इम्पॉर्टेंट थी बच्चों, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। कनव ने बच्चों टोटल 40% स्टॉक लिया है, टोटल स्टॉक था 24, इसका 40% हमने उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करी, यानी कि 9600 वाला स्टॉक उसने 20% कम करके लिया, 96 का 20% ये, तो उसने किस वैल्यू पर लिया, 7680। तो हमने कर दिया 7680 उसके नाम से कनव कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको बुक वैल्यू चाहिए बच्चों, तो बुक वैल्यू तो कितनी माइनस करोगे, 9600 की माइनस करोगे। टोटल 24,000 में से 9600 माइनस करना, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, 14400। ये सेल हो गया 10% प्रॉफिट पर, तो इसका 10% प्रॉफिट ये, तो सेल प्राइस क्या आया, 15,840। तो बाय बैंक के नाम से कितना आएगा, 15,840 रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, अंडरलाइन करना फुल सेटलमेंट वर्ड को बच्चों। फुल सेटलमेंट का मतलब है हिसाब किताब क्लियर, चाहे क्रेडिटर ज़्यादा अमाउंट के थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट की थी या कम अमाउंट की थी, कम लेने को भी तैयार हैं क्रेडिटर, ज़्यादा वाली इन्वेस्टमेंट लेने को भी तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब अब इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो बच्चों हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी फर्म की कोई एसेट ले जाए अपनी सेटलमेंट में, तो उस सेटलमेंट तक की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कुछ बैलेंस की बात हो रही है, उस बैलेंस की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखो, क्रेडिटर कितने के थे, 42,000, और इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 32,000। वो इसे फुल सेटलमेंट यानी कि लेने को तैयार हैं कम की एसेट,
वो 10,000 रुपये कम की जो एसेट है 32,000 वो भी लेने को तैयार हैं फुल सेटलमेंट में। तो बच्चों अब इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कोई बाय इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं आएगा और यहाँ पर टू क्रेडिटर जो पेमेंट वगैरह करते हैं उसका भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो सुनो बच्चों क्या चेंज आता, देने कितने थे 42,000, क्रेडिटर को स्टॉक कितने एसेट कितने की दे रहे हैं 32,000 की, यानी कि 10,000 अभी भी पे करना है। तो 10,000 फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है तो 10,000 आप क्या करोगे उसे पे करते, तो यानी कि 10,000 की एंट्री आपको यहां पर पेमेंट की करनी पड़ती टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर। तो याद रखना बच्चों अगर फुल सेटलमेंट वर्ड है तो उस वैल्यू तक आपको कुछ एंट्री नहीं करनी, बट अगर उसके बाद भी कुछ आपका बैलेंस बच जाता है, बैलेंस के लिए कुछ बोला हो स्पेशल क्वेश्चन में, तो उसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, कनव एग्रीड टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एग्रीड रेमुनरेशन 12,000। ये कह रहे हैं जो रियलाइजेशन हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन फर्म का, हमने कनव की ड्यूटी लगाई है कि आप सारी एसेट वगैरह सेल करोगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट आप करोगे, हम उसके लिए आपको रेमुनरेशन यानी कि कमीशन दे रहे हैं 12,000 रुपीज़ का। तो बच्चों फर्म तो क्या कर रही है, एक्सपेंस पे कर रही है किसे, कनव को, तो कनव को मिल रहे हैं तो कनव की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो यहाँ आ जाएगा टू कनव कैपिटल और ब्रैकेट में रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन, हम कितने का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 12,000 रुपीज का। इसके बाद एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 रुपीज। ये कह रहे हैं कनव हम तुम्हें 12,000 का क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, जो भी एक्सपेंस होंगे सेल करने पर, लायबिलिटी की पेमेंट करने पर, वो सब आपकी आपकी जेब से जाएंगे। तो बच्चों वो जो 8,000 के एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं वो किसकी पॉकेट से गए हैं, कनव की पॉकेट से, तो हमें फर्म की बुक में कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्म की बुक से तो कितने रुपये जाएंगे 12,000 जो कनव को हम उसके रेम्यूनरेशन के देंगे, तो हमने वहाँ 12,000 की एंट्री करनी है। यहाँ ड्यूटी किसकी थी, कनव की थी, तो कनव की ड्यूटी थी वो 8,000 के एक्सपेंस पे करने की, इसलिए उस 8,000 की कोई एंट्री पास नहीं होगी बच्चों। ये थी बच्चों आपकी सारी एडजस्टमेंट्स। अब आपको देखना है बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं था, यानी कि मुझे ट्रांसफर यहाँ नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा था वो वर्कमैन के लिए छोड़ा था कि अगर एडजस्टमेंट आई मैं यहाँ पर वर्कमैन लिख दूंगा, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, सारा कहाँ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब ये करने के बाद चेक करो क्या सारी आउटसाइड लायबिलिटी पे हो चुकी हैं, क्रेडिटर ने बच्चों इन्वेस्टमेंट ली थी हो चुका, ईपीएफ की कोई पेमेंट नहीं थी, तो बुक वैल्यू पर पे करो टू बैंक ब्रैकेट में ईपीएफ कितना 60,000। फिर मिसिज आशीष लोन, ये आशीष कह रहा था मैं पे करूंगा, हो चुकी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, रिजर्व है, इसकी कोई पेमेंट नहीं जाती। तो ये था बच्चों आपका रियलाइजेशन अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर 11 का। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछा गया था, तो हमारा बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रॉफिट आ जाएगा 20,020 रुपीज जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आशीष और कनव के रेशो में। इसके बाद बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके, एक ट्रांजेक्शन आएगी वो आपके लिए बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अब आ रही है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसका बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बोर्ड में 6 मार्क्स में अकेले में रियलाइजेशन क्वेश्चन में सिर्फ आपसे रियलाइजेशन अकाउंट ही आ सकता है, तो इस पर अच्छे से फोकस रखना, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि जो रियलाइजेशन है वो आपका कैपिटल अकाउंट में भी जाता है, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट गलत आया तो प्रॉफिट या लॉस गलत आया तो वो कैपिटल अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा आपके। इलस्ट्रेशन नंबर 12, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, बैलेंस शीट है, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, तो मैं पहले सबसे पहले ट्रांसफर के पॉइंट कर लेता हूँ। कैश इन हैंड ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया जाएगा टू स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट 5,000 रुपीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगी टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स 20,000 के ट्रांसफर होंगे
और इसका प्रोविजन बच्चों साथ के साथ करना, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं जब लायबिलिटी साइड पढ़ेंगे तब कर देंगे, ये प्रोविजन एसेट साइड गिवन है, तो वहां बच्चे भूल जाते हैं प्रोविजन को ट्रांसफर करने में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड अमाउंट 2000 रुपीज। नेक्स्ट, प्लांट ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट 20,000, बिल्डिंग भी ट्रांसफर होगी 15,000, गुडविल एक सिंपल ऐसे ट्रीट करनी थी तो गुडविल भी ट्रांसफर की जाएगी एंड अमाउंट 4,000 रुपीज। एडवर्टाइजमेंट, ये आपका लॉस ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर ट्रांसफर किए जाएंगे 30,000, बिल्स पेबल भी होगा अमाउंट 8,000, मिसिज ए लोन, तो पार्टनर कौन है बच्चों, ए, तो मिसिज ए और बी दोनों मिसिज लोन दिए हुए हैं तो ये ट्रांसफर किए जाएंगे, मिसिज ए और मिसिज बी लोन, ये अमाउंट है दोनों की 5,000 और 10,000 रुपीज। पार्टनर के लोन ट्रांसफर नहीं होते लेकिन उनके किसी भी रिलेटिव के हों वो ट्रांसफर होंगे। जर्नल रिजर्व नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या इन्वेस्टमेंट थी एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट थी तो वो रिजर्व भी ट्रांसफर हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपका है 1,000 रुपीज, तो ये भी ट्रांसफर हो गया बच्चों। ट्रांसफर के पॉइंट हो चुके, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले ए प्रोमिस टू पे मिसिज ए लोन, यानी कि लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, तो टू ए कैपिटल ब्रैकेट में मिसिज लोन, मिसिज ए लोन, मिसिज ए लोन कितने का था 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, एंड टुक अवे स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो बाय ए कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक, किस वैल्यू पर लिया उसने 4,000 की वैल्यू पर, तो 4,000 रुपीज। नेक्स्ट बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर यानी कि बी कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का हाफ, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 10,000, इसका हाफ कितना बनता है 5,000, जो 5,000 है वो 10% डिस्काउंट यानी कि 500 के डिस्काउंट पर उसने लिया है तो 4,500 वैल्यू आ गई एग्रीड वैल्यू। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 10,000 की थी इसका हाफ लिया उसने कितना 5,000, वो भी 10% कम करके, तो 5,000 का 10% 500 कम करके कितने पर 4,500 रुपीज पर। नेक्स्ट, डेटर रियलाइज 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेब्ट्स रिकवर, बच्चों रुपए आने से मतलब है डेटर्स के आए हैं तो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स, अमाउंट रुपए आ रहे हैं जो 19,000 इसके अंदर इंक्लूड है तो 19 ही लिखना, अगर एक्सक्लूड लिखा होता 6,000 यानी कि टोटल 25,000 आए हैं आपके, तो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर, बाय बैंक बैड डेट रिकवर के नाम से अलग से 6,000 भी आप शो कर सकते हो। अगला पॉइंट डी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपका, एडजस्टमेंट नंबर डी, इसका मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं बच्चों। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ वन मंथ, एवरेज बेसिस ऑफ वन मंथ का मतलब है हमें जो पेमेंट करनी थी क्रेडिटर और बिल्स पेबल की वो एक महीने बाद पेमेंट करनी थी, बट देवर पेड इमिडिएटली, बिजनेस आज बंद हो रहे तो आज ही हमें क्या करनी पड़ेगी उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी 31 मार्च एट 6% डिस्काउंट पर एनम। तो बच्चों हम पहले ही पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर पहले ही पेमेंट कर रहे हैं, एक महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं तो एक महीने का हमें क्या देंगे डिस्काउंट मिलेगा, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, ऐसे आपको बिल्स पेबल की करनी पड़ेगी। क्रेडिटर कितने के थे बच्चों आपके क्वेश्चन में 30,000, रेट डिस्काउंट की 6%। अब बच्चों रेट के साथ पर एनम वर्ड था, पर एनम का मतलब वो साल की रेट है और हम पेमेंट कब कर रहे हैं एक महीने पहले, तो 1/12, तो बच्चों 150 रुपीज का डिस्काउंट आएगा बच्चों, क्लियर, यानी कि क्रेडिटर को जो पेमेंट जाएगी वो 150 के डिस्काउंट के बाद जाएगी टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर। 30,000 के क्रेडिटर थे,
150 का डिस्काउंट, तो आप पेमेंट जो करेंगे वो कितने की करेंगे, 29,850 की पेमेंट जाएगी बच्चों। ये आपकी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी कि यहाँ वन मंथ का ड्यू बोल रखा था, यानी कि हमें एक महीने बाद पेमेंट करनी, तो एक महीने का डिस्काउंट, क्योंकि रेट में क्या पर एनम है। अगर यहाँ पे टू मंथ्स होता तो 2/12, थ्री मंथ्स 3/12, लेकिन रेट के साथ पर एनम वर्ड होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर एनम वर्ड था इसलिए टाइम आया, बट अगर पर एनम वर्ड नहीं होता तो पूरे साल का होता है, फिर ये टाइम नहीं आता, फिर सीधा 30,000 का 6% डिस्काउंट होता। तो याद रखना बच्चों, पर एनम जब आप सॉल्यूशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें शायद रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, तो पर एनम नहीं है तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, 6% जो है वो पूरे उसी क्रेडिट पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद आप बिल्स पेबल पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्स पेबल टोटल कितने के थे, 8,000, रेट 6/100, पर एनम की थी और टाइम 1/12, तो ये हो जाएगा 40 रुपीज। तो यानी कि बिल्स पेबल की जो पेमेंट जाएगी 40 रुपीज माइनस करके, टू बैंक ब्रैकेट में बिल्स पेबल, ये आ जाएगी बच्चों आपकी 8,000 में से 40 रुपीज माइनस 7,960 की पेमेंट जाएगी बिल्स पेबल को। ये आ रही है बच्चों 7, बिल्कुल सही। इसके बाद प्लांट रियलाइज मतलब सेल हुए हैं, तो किस नाम से लिखने हैं आपको, बाय बैंक के नाम से लिखने हैं बच्चों। तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ, 25,000, 40,000, 6,000 और इन्वेस्टमेंट 45,000। तो अलग अलग नाम आपको लिखने पड़ेंगे, मैं एक साथ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं अभी, फॉर 25, 40, गुडविल के नाम से 6,000 और जो इन्वेस्टमेंट आपकी हाफ बची हुई थी वो 4,500 रुपीज़ में। तो ये सारा मिलाकर आप टोटल लिख लेना बच्चों। इसके बाद देर वॉज ओल्ड टाइप राइटर ऑफ द फर्म विच हैड बीन राइट ऑफ कम्प्लीटली, एक पुराना टाइप राइटर था, वो क्या थी, एसेट, बैलेंस शीट में था या नहीं था डिपेंड करता है, बैलेंस शीट में आपके टाइप राइटर नहीं था बच्चों, यानी कि अनरिकॉर्डेड था, राइट ऑफ हो चुके हैं तो यानी कि बुक्स में था ही नहीं हमारे। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रिलाइज 300 रुपीज, इसकी ये उम्मीद हो रही है कि 300 रुपये तो फिर भी स्क्रैप में ये दे जाएगा हमें, और इस वैल्यू पर पार्टनर ने बी ने बच्चों ले भी लिया, तो यानी कि एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो बाय पी कैपिटल ब्रैकेट में टाइप राइटर 300 रुपीज का टाइप राइटर। तो ये थी बच्चों सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको लास्ट में क्या चेक करना है, जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी थी क्या उनकी सबकी पेमेंट हो चुकी है, चेक करते हैं। क्रेडिटर की हो चुकी वो डिस्काउंट वाली कैलकुलेशन, बीपी भी हो चुका, मिसिज ए लोन ए ने पे कर दिया, मिसिज बी के लिए कुछ नहीं बोला बच्चों, तो मिसिज बी की पूरी पेमेंट जाएगी बुक वैल्यू, तो टू बैंक ब्रैकेट में मिसिज बी लोन, ये था 10,000 रुपीज। उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये एक रिजर्व है, लाइबिलिटी नहीं है। तो ये था बच्चों आपका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 12। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था बच्चों आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट याद रखना बच्चों, मंथ्स दिए होंगे कितने मंथ्स का मिलना है आपको, लेकिन पर एनम होना चाहिए वहाँ पर रेट के साथ। अगर रेट के साथ पर एनम नहीं है तो टाइम नहीं आएगा, वन मंथ और टू मंथ्स नहीं। अगर पर एनम है तो वन मंथ का ड्यू था 1/12, टू मंथ का ड्यू होता तो 2/12 आएगा। तो ये था बच्चों आपका रियलाइजेशन अकाउंट, आपका जो होमवर्क रहेगा प्रैक्टिकल नंबर 12 तक रहेगा बच्चों।